हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन यानी संविदाज किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल बिरयानी, जिसे मैं बड़े ही आसान और क्विक तरीके से बनाना बताऊँगी और यह एकदम ट्रेडिशनल बिरयानी का स्वाद देगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वेजिटेबल बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कप यानी लगभग 250 ग्राम चावल लिया है। यह चावल लॉन्ग ग्रेन खुशबूदार बासमती चावल है। बिरयानी के लिए ऐसे ही चावल प्रेफर करें। इसे मैंने पानी में डालकर आधे घंटे भिगोकर निकाल लिया है। आप भी इसे भिगोकर ही पकाएं। अगर आधे घंटे नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक भिगोकर ही पकाएं। इससे चावल जल्दी पक जाती है। तो इसे पकाने के लिए मैंने लगभग 1 लीटर पानी को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। इसे मिला देते हैं। कुछ साबुत गरम मसालों में मैंने लिया है 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 स्टार सीड, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते और जावित्री। छोटी इलायची और बड़ी इलायची को मैंने चाकू से खोल लिया है। इससे चावल में इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे पानी में ऐड कर देते हैं। तो पानी में उबाल आ गया है। अब चावल को डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। ये मैंने अच्छी तरह मिला दिया और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर इस चावल को 70% तक कुक करेंगे, यानी थोड़ा इसे कच्चा रखेंगे। तो इसे पकने देते हैं। 70% कुक होने के लिए भिगोए हुए चावल को घड़ी देखकर 5 मिनट ही लगते हैं। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। तो चावल चेक कर लेते हैं। चावल 70% कुक हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और चावल को इन साबुत मसालों के साथ स्टेन कर लेते हैं, यानी चावल और मसालों को एक साथ पानी से अलग छान लेंगे। तो चावल और साबुत मसाले को मैंने छान लिया है। इसे एक तरफ रख देते हैं। अगर साबुत मसाले आपको नहीं पसंद हो तो आप इन्हें एक स्पून से चुनकर अलग कर लें, मगर मैं चावल के साथ इसे रखूँगी और बिरयानी में ऐड करूँगी, जिससे बिरयानी का ब्लेंड बहुत अच्छा आएगा। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे के प्रोसेस में मैंने एक नॉर्मल प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए गैस के लो फ्लेम पर प्लेस किया है। जब तक यह गर्म होता है मैं वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बता देती हूँ। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है 1 बड़ा गाजर जिसे पतला लंबा काटा है, 1 बड़े शिमला मिर्च को भी पतला लंबा काटा है, लगभग 100 ग्राम बीन्स को पतला लंबा गाजर की तरह काट लिया है, फूल गोभी लिया है लगभग 1 मीडियम बाउल, जिसमें फ्लावर मैंने मीडियम साइज के रखे हैं, 1 बड़े आलू को मीडियम टुकड़ों में काट लिया है, पनीर के मीडियम 10 क्यूब लिए हैं जो लगभग 150 ग्राम है। सब्जियों की क्वांटिटी और टाइप आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो प्रेशर कुकर यहाँ गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा। जीरे के करकने के बाद इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च 2 टुकड़ों में कटी हुई। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए आलू, फूल गोभी, गाजर। अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक भून लेते हैं। बाकी की सब्जियां हम बाद में ऐड करेंगे। ये सब्जियां पहले डाली हैं क्योंकि ये हार्ड होती हैं और बड़े पीस में कटे हुए हैं। 5 मिनट तक भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे लगातार चलाते हुए 1/2 मिनट तक भून लेते हैं। 1/2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, बीन्स। इन दोनों को चलाते हुए बस 2 मिनट तक ही भूनेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इनका कलर भी बना रहे और हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुन जाएगा। 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तड़के में भी
3 हरी मिर्च काट कर डाला है और अभी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, तो तीखापन आप अपने अनुसार चेक कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून वेजिटेबल बिरयानी मसाला लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैं बाद में ऐड करूँगी। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ध्यान रहे चावल में भी हमने नमक डाला है। नमक आप अपनी टेस्ट के अनुसार डाल लें। अब सबको अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मसाले डालते समय गैस का फ्लेम लो रखें ताकि मसाले जले नहीं। 1 मिनट तक मैंने मसालों को भून लिया है, अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप फ्रेश दही लिया है, जिसे अच्छे से फेंट कर स्मूथ कर लिया है। दही को हम अच्छे से फेंट कर ही यूज़ करेंगे और ध्यान रखें कि दही हमेशा फ्लेम को बंद करके ही सब्जियों के साथ ऐड हो। इससे क्या होगा कि दही के फटने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो अब दही को डालकर मिक्स कर लेते हैं सब्जियों में। दही को अच्छे से मिक्स कर दिया, अब फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकने देते हैं। 1 मिनट तक दही और सब्जियां पक चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पनीर के कटे हुए क्यूब्स। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो इसे फ्राई करके ले सकते हैं। इसे मिला देते हैं। पनीर सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। पनीर के मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 कप पानी डालकर मिलाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और मसाले भी पक चुके हैं, तो अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। फ्लेम बंद करने के बाद बिरयानी का लेयर बना लेते हैं, इससे बिरयानी अपने ट्रेडिशनल लुक और टेस्ट दोनों में आ जाएगी। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के पतले लंबे कटे प्याज को डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके रखा था। आप चाहें तो सब्जियों को फ्राई करने से पहले प्रेशर कुकर में पहले ओनियन को डीप फ्राई करके निकाल लें, फिर सब्जियों को फ्राई करें, या आप कढ़ाई में भी अलग से फ्राई कर सकते हैं। तो 1/2 ओनियन को छिड़क कर लेयर बना लेते हैं। यह मैंने फ्राइड ओनियन को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इसके बाद मैंने 1/2 मीडियम बाउल बारीक कटी पुदीना और हरी धनिया की पत्ती ली है, जिसे मैं इसके ऊपर से थोड़ा फैला देती हूँ। इसे ऐसे छिड़क देंगे। पुदीने की पत्ती भी छिड़क देते हैं। अब इसके ऊपर से बचे हुए बिरयानी मसाला में से मैं थोड़ा सा छिड़क देती हूँ, थोड़ा बचा लूँगी। अब इसके ऊपर से मैं 1 टेबल स्पून घी छिड़क देती हूँ, जिससे बिरयानी में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इसके ऊपर से जो मैंने 70% चावल को कुक किया था वो ऐड कर देते हैं। चावल में से 1/2 को मैंने स्प्रेड कर दिया, ये एकदम मैंने फ्री किया है, इसे दबाया नहीं है। अब इसके ऊपर बचे हुए फ्राइड ओनियन को फैला देते हैं। अब बचे हुए बिरयानी मसाला इसके ऊपर से छिड़क देते हैं। बीच की लेयर में बिरयानी मसाला डालने से पूरी बिरयानी में इसका स्वाद अच्छी तरह फैलेगा, क्योंकि नीचे सब्जी में भी हमने बिरयानी मसाला को डाला है। इसके ऊपर भी 1 टेबल स्पून घी छिड़क देते हैं। अब सारे बचे चावल को फैला देते हैं। चावल को एकदम फ्री फैलाएंगे, दबाएंगे नहीं। चावल के ऊपर बचे हुए धनिया और पुदीने की पत्ती को फैला देंगे। अब इसके किनारे पे मैं 1 टेबल स्पून घी छिड़क देती हूँ, तो टोटल मैंने 3 टेबल स्पून घी यूज़ किया है। सबसे ऊपर मैं डालूँगी थोड़े केसर, जिसे मैंने 1 टेबल स्पून गुनगुने दूध में मिलाकर रखा था, यह ऑप्शनल है। इसके ऊपर या इसमें आप इन सभी के अलावा फूड कलर और केवड़े का एसेंस भी डाल सकते हैं। तो अब बिना मिक्स किए ढक्कन बंद कर देते हैं और फ्लेम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम को लो पर सेट कर देंगे और प्रेशर कुकर को
डायरेक्ट फ्लेम पर चढ़ाकर घड़ी देखकर अगले 8 मिनट तक पकने दूंगी। सब्जियां हमारी फ्राइड हैं और इसमें दही के साथ साथ आधा कप पानी भी ऐड किया हुआ है। चावल हमने 70% कुक किया हुआ है, तो लो फ्लेम पर 8 मिनट में वेजिटेबल बिरयानी प्रॉपरली कुक हो जाती है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो बिरयानी ओवर कुक होकर जल जाएगी। 8 मिनट हो गए हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे हम 10 मिनट तक ठंडे होने देंगे, उसके बाद ढक्कन हटाकर बिरयानी चेक करेंगे। 10 मिनट तक यह ठंडा हो गया है, ढक्कन खोलकर बिरयानी चेक करते हैं। बिरयानी बहुत अच्छी दिख रही है। अब किनारों से इसे निकालते हुए इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। बिरयानी को हमेशा किनारों से ही निकालने की कोशिश करेंगे। बिरयानी अंदर से एकदम जूसी है और चावल भी हमारे एकदम खिले खिले बने हैं। वेजिटेबल बिरयानी को प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं चावल एकदम खिली खिली और सब्जियां भी सॉफ्ट हैं, कलर एकदम प्यारा है। तो इसी तरह बिरयानी को बताई गई टिप्स और तरीकों का ध्यान रखते हुए आप बनाएं, वेजिटेबल बिरयानी एकदम परफेक्ट बनेगी। आप इसे गर्मा गर्म रायते और सलाद के साथ इसे खाएं। कमेंट्स में मुझे बताएं वेजिटेबल बिरयानी आपसे कैसी बनी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ओरिजिनल और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।